पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने अग्निवीर योजना पर हो रहे प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि सुबह बलिया में 6:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर आ गए थे और वहां पर पथराव किया, वहां पर खड़ी एक खाली कोच में आग लगा दिया, जिसके बाद से पूर्वोत्तर रेलवे की 34 ट्रेनें निरस्त की गई। सभी लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं जो कि निरस्त हुई हैं और 19 ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाया जा रहा है। अभी की जो स्थिति है वह अंडर कंट्रोल है। आरपीएफ, जीआरपी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग स्थिति पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेशनों पर जो प्रदर्शनकारी आए थे उनको समझा बुझाकर शांत करवाया गया है। ट्रेनों को धीरे धीरे चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा सभी स्टेशनों पर जीआरपी, आरपीएफ के जवान अलर्ट पर हैं, इंटेलिजेंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कहीं से अगर सूचना मिल रही है कि इस स्टेशन पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं तो वहां सुरक्षा बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थिति अंडर कंट्रोल है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील करते हुए कहा कि रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है और जो ट्रेन से सफर करते हैं वह भी आपके अपने लोग हैं। अलग अलग स्थानों पर हजारों लोग फंसे हुए हैं, आपको जो भी बात करनी है आप शांतिपूर्वक कह सकते हैं। ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से होने दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, ये तो सोशल मीडिया हर जगह सुबह सब जैसे जगह ना तैसे फिर बोला कि अग्निपथ योजना को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह ट्रेनों को जलाया गया है, फिर क्या गया, कुछ ट्रेनें रद्द हुई हैं। आज सुबह बलिया में लगभग 6:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए और उन्होंने कुछ पथराव किया, उसके बाद वॉशिंग पिट में खड़ी एक खाली कोच में आग लगा दिया, जिसके बाद से कुछ ट्रेनें निरस्त की गई। जैसे अगर अभी तक की मैं बात करूं तो पूर्वोत्तर रेलवे में 34 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। सभी लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं जो निरस्त हुई हैं और 2 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा 19 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर नियंत्रित करके चलाया जा रहा है। अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। जो आरपीएफ और जीआरपी और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की पुलिस है वो सभी लोग मिलकर स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और जहां भी जैसे और भी अलग अलग स्टेशनों पर कुछ प्रदर्शनकारी आए थे उनको जो है डिस्पर्स किया गया है और ट्रेनों को धीरे धीरे चलाया जा रहा है। सर सुरक्षा व्यवस्था दृष्टिगत क्या क्या व्यवस्था है और कहीं भी जैसे लोग पहुँच जा रहे हैं? जो भी हम लोग पहले से भी अलर्ट थे और लगातार जो हमारे आरपीएफ के लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं, ये सब रेड अलर्ट पे हैं। ये सभी स्टेशनों पर देख रहे हैं, अपना जो इंटेलिजेंस भी है उसका भी यूज किया जा रहा है। अगर कहीं से कोई इंटेलिजेंस मिल रहा है कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी आ सकते हैं तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उसी के कारण जो है स्थिति अभी काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, अगर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूँ तो। और लगातार जो है इस पे स्थिति पे जो हमारे लोग हैं आरपीएफ के, जीआरपी के, निगाह बनाए हुए हैं और ट्रेनों का संचालन अब धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। सर कुछ अपील करना चाहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं प्रदर्शनकारी? सभी प्रदर्शनकारियों से अपील है कि ये रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ये आपके अपने लोग हैं और अलग अलग स्थानों पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। आपको जो भी बातें कहनी है वो शांतिपूर्वक तरीके से आप कह सकते हैं और ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से होने दें, यह अपील है मेरी सभी से।